अहम खबर देंगे आपको। यूसुफ रजा गिलानी का मौलाना फजल रहमान से राबता हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी ने फजल रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। इसी हवाले से हमें मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीक बताइएगा क्या राबता किया गया है। मौलाना फजल रहमान से यूसुफ रजा गिलानी जो कि मुश्तरका उम्मीदवार है इस्लामाबाद से पीडीएम को उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले रब्ता किया है और 12 बजे यूसुफ रजा गिलानी की सरबराई में पीपल्स पार्टी का वफद उनसे मुलाकात के लिए उनकी रहायशगाह पर जा रहा है यहाँ पे इस्लामाबाद में ही। और इस मुलाकात में जो है वो सेनेट इलेक्शन के हवाले से बाबा तौर पर जो हिकमत अमली है उसको तय किया जाएगा। जे यू आई फे जाहिर है एक जमात के भी सरबरा है। जे यू आई फे की जानब से मौलाना फजल रहमान यूसुफ रजा गिलानी की बाबा हमायत का भी ऐलान करेंगे। दोनों रहनुमा इस मुलाकात के बाद मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। 3 तारीख 3 मार्च को इलेक्शन होने जा रहे हैं तो यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर काफी मुतहरक हैं और वो मुतअद्दिद मुलाकातें कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। यूसुफ रजा गिलानी ने फजल रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। अहम खबर देंगे आपको। यूसुफ रजा गिलानी का मौलाना फजल रहमान से राबता हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी ने फजल रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। इसी हवाले से हमें मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीक बताइएगा क्या राबता किया गया है। मौलाना फजल रहमान से यूसुफ रजा गिलानी जो कि मुश्तरका उम्मीदवार है इस्लामाबाद से पीडीएम को उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले रब्ता किया है और 12 बजे यूसुफ रजा गिलानी की सरबराई में पीपल्स पार्टी का वफद उनसे मुलाकात के लिए उनकी रहायशगाह पर जा रहा है यहाँ पे इस्लामाबाद में ही। और इस मुलाकात में जो है वो सेनेट इलेक्शन के हवाले से बाबा तौर पर जो हिकमत अमली है उसको तय किया जाएगा। जे यू आई फे जाहिर है एक जमात के भी सरबरा है। जे यू आई फे की जानब से मौलाना फजल रहमान यूसुफ रजा गिलानी की बाबा हमायत का भी ऐलान करेंगे। रहनुमा इस मुलाकात के बाद मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। 3 तारीख 3 मार्च को इलेक्शन होने जा रहे हैं तो यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर काफी मुतहरक हैं और वो मुतअद्दिद मुलाकातें कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। यूसुफ रजा गिलानी ने फजल रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। अहम खबर देंगे आपको। यूसुफ रजा गिलानी का मौलाना फजल रहमान से राबता हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी ने फजल रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। इसी हवाले से हमें मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीक बताइएगा क्या राबता किया गया है। मौलाना फजल रहमान से यूसुफ रजा गिलानी जो कि मुश्तरका उम्मीदवार है इस्लामाबाद से पीडीएम को उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले रब्ता किया है और 12 बजे यूसुफ रजा गिलानी की सरबराई में पीपल्स पार्टी का वफद उनसे मुलाकात के लिए उनकी रहायशगाह पर जा रहा है यहाँ पे इस्लामाबाद में ही। और इस मुलाकात में जो है वो सेनेट इलेक्शन के हवाले से बाबा तौर पर जो हिकमत अमली है उसको तय किया जाएगा। जे यू आई फे जाहिर है एक जमात के भी सरबरा है। जे यू आई फे की जानब से मौलाना फजल रहमान यूसुफ रजा गिलानी की बाबा हमायत का भी ऐलान करेंगे। दोनों रहनुमा इस मुलाकात के बाद मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। 3 तारीख 3 मार्च को इलेक्शन होने जा रहे हैं तो यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर काफी मुतहरक हैं और वो मुतअद्दिद मुलाकातें कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। यूसुफ रजा गिलानी ने फजल रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।